अब इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम लीनियर डिफरेंसियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम ये पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यह होती है जिसमें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वह वे है वाई तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे तो सिंस यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल वाई तो हम क्या करते हैं हम इस पूरी इक्वेशन में एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है है, है। तब हमने जो फंक्शन फंक्शन मल्टीप्लाई किया है, वह है x का है। अब इससे फायदा क्या हुआ तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं जब हम इसमें एफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कुछ इस टाइप की दिखेगी तो अब यदि हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को y इंटू एफ एक्स के डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो कैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे y into fx का डेरिवेटिव q into fx. अब हम यदि इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दें तो हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी जिसके लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा y इंटू एफ एक्स एंड राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा इंटीग्रेशन क्यू इंटू एफ एक्स डीएक्स तो इस इक्वेशन से हमें वाई की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू एफ एक्स डीएक्स तो अब आप देख सकते हो कि हमें वाई फंक्शन मिल चुका है एंड यही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वह हमने एज्यूम किया था तो अब क्वेश्चन यह आता है कि वह कौन सा फंक्शन होगा एफ एक्स जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एफ एक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं हमने यह देखा था कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड है वह y इंटू एफ एक्स के डेरिवेटिव के इक्वल होनी चाहिए अब यदि हम y इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव करें देन वी गेट y डैश y इंटू एफडेस एक्स अब यदि कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म तो इक्वल हैं, क्योंकि एक में है y एंड दूसरा है F -X into dy -x, जो कि इक्वल है एंड यदि हम सेकेंड टर्म को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि एक जगह y का कोफिसियंट है एफडेस एक्स एंड दूसरी जगह y का कोफिशियंट है पी इंटू एफ एक्स तो अब हम Y के को इक्वेट करेंगे तो हम वहां से लिख सकते हैं पी इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स यहां से यदि वैल्यू निकालें तो p हो जाएगा एफ डॉन एफ एक्स हमें फाइनल आंसर के लिए फंक्शन एफ एक्स चाहिए तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे तो अब यदि हम इसे इंटीग्रेट कर दें देन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डेक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स अब इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसे हम आसानी से कर सकते हैं मेथड का यूज करके जिसमें हम एफ को टी एज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिलेगा लॉग ऑफ एफ एंड सिंस हमें एफ की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दावर इंटीग्रेशन पी तो अब आप देख सकते हो कि हमें एफ की वैल्यू मिल चुकी है एंड यही वैल्यू हमें फाइनल आंसर के लिए चाहिए थी जो ये fx है वह बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है जिसे हम IF से डिनोट करते हैं अब हम fx की वैल्यू जब अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन होगा y e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx dx इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं y is equal to of Q of dx C. तो अब आपने देखा कि यदि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो इन वेरिएबल वाई तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं तो अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह एक्स हो मतलब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वह कुछ इस टाइप की हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल एक्स तो इनिशियली हमने जब वेरिएबल वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो एफ का मल्टीप्लाई किया था तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लाई करेंगे एंड वेरिएबल वाई वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स अब x वाली कोई है, तो उसके लिए हो जाएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई अब सिंस हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है तो हम इसका भी सॉल्यूशन इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जो कि होगा एक्स इन टू दावर इंटीग्रेशन पीडीवाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू टू दावर इंटीग्रेशन पीडीवा को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं तो अब हम इस मेथड को समराइज करके ये कह सकते हैं कि यदि हमें कोई लीनियर डिफ्रेंसियक्वेशन सोल्व करनी हो तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि वह वेरिएबल एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर वेरिएबल वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बाद हम अकॉर्डिंगली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और एक बार यदि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो हम उसका फाइनल आंसर आसानी से लिख सकते हैं जिसके लिए हमने दो अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं कि वेरिएबल वाई के लिए फॉर्मूला क्या है एंड वेरिएबल एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है तो चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं माना हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि है डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस फाइंड करना है तो अब हम इस मेथड को स्टेप्स की तरह देखेंगे सबसे पहले है कि हम इसे स्टैंडर्ड इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं डीवाई अपॉन प्लस

एक्स स्क्वायर अब अगली स्टेप यह है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है सिंस जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, है उसमें वेरिएबल तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पीडीएक्स अब हम जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे इस फॉर्मूले से देन वी गेट कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू

ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह वेरिएबल वाई में है एंड इसके लिए सॉल्यूशन ये होता है जो कि आपको डायरेक्ट ही याद रखना है हम इस फॉर्मूले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यह हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा इसे अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स वाईज इक्वल टू एक्स टू फोर अपॉन फोर प्लस सी एंड ये जो इक्वेशन मिली है यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है अब यदि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल एक्स में होती तो उस केस में यह उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता एंड यह उसका फाइनल सॉल्यूशन होता